और आगे बढ़ते हुए मैं आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। खबर ये कि किसानों के जत्थे आज दिल्ली कूच का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। बड़ी खबर ये, किसानों और सरकार के बीच बीती रात करीब 5.5 घंटे तक जो बातचीत चली वो बेनतीजा रही। किसान नेताओं और सरकार के बीच में बात नहीं बन सकी है। उसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान बरकरार रखा है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है और तब तक अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो उसके बाद किसानों के जत्थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जहां जहां भी वहां वहां से दिल्ली की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हालांकि सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वो किसानों से बातचीत और समाधान के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान है कि किसान संगठनों से गंभीरता से बात हुई, सरकार हमेशा से समाधान चाहती है। ये कहा है अर्जुन मुंडा ने, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, स्थायी समाधान के लिए कमेटी की बात हुई है। अर्जुन मुंडा का बयान भी आपको सुनवाते हैं। सभी विषयों पर चर्चा किया, अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें। 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए, हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है, आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया हम अपने दोनों फोरनों में उसका विचार करेंगे। तो सरकार के अपने दावे हैं और किसानों के अपने दावे हैं, दोनों की अपनी अपनी बात है। रिया, अभी आप कहां मौजूद हैं और अभी क्या हालात है वहां के? जी, टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है उनको पुख्ता करने की तैयारी कल से ही हो रही थी और फिर जो 5.5 घंटे लगभग बैठक हुई किसानों और सरकार के बीच में, जिसमें जो डेडलॉक लगातार अभी तक बना हुआ है, जो डेडलॉक जिसका सलूशन नहीं निकला, उसके बाद दिल्ली को छावनी में बदलने की तैयारी लगातार जारी है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख पाएंगे, यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर सुरक्षा बलों की, साथ ही साथ कई लेयर्स की बैरिकेडिंग टीकरी बॉर्डर पर की गई है। आप देख पाएंगे अभी भी तस्वीरों में जो बैरिकेडिंग है वो करना जारी है। कंटेनर्स आपको नजर आएंगे, आपको कंक्रीट के फोल्डर्स नजर आएंगे और ऊपर आपको सिस्टम, ऑडियो और कैमरा सिस्टम भी नजर आएगा, जिसको जो किसान आने वाले हैं, एक सी ऑफ फार्मर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है आएगा, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा आने वाली है। तो ये तैयारी लगातार जारी है। कुछ ही दूर पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, दंगा नियंत्रक वाहन भी यहाँ पर आए गए, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर पीछे उनको भी लगाया गया है। और आप ये जो ट्रक्स देख पा रहे हैं, ये खाली ट्रक्स हैं, इनको यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि अगर किसी तरीके से ये जो कंक्रीट के बोल्डर्स हैं उनको पार कर लिया जाता है तो ये ट्रक्स यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम करेंगे। और उसके साथ साथ सुरक्षा बलों की हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है क्योंकि जो आने वाला वीक, जो ये हफ्ता, जो सप्ताह होने वाला है, ये दिल्ली के लिए सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है क्योंकि पहले तो जो आज किसान आने वाले हैं, आज दिल्ली का दरवाजा खटखटाया जाएगा, फिर चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो या उत्तर प्रदेश से हो, और फिर 16 फरवरी को भी भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये टिकरी बॉर्डर पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगने वाला है, लोगों को कितनी परेशानी होगी जरा ये भी बता दीजिए। जी, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर्स है, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स सील किए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की अगर मैं आपको बता दूं तो कल ही यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी डाइवर्जन्स को लेकर, क्योंकि उम्मीद ये है जब किसान यहाँ पर आएंगे तो ये जो बॉर्डर है इसको सील कर दिया जाएगा।
तो डाइवर्जन्स की जो एडवाइजरी है वो कल ही ट्रैफिक पुलिस जारी कर चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है ट्रैफिक कंजेशन दिल्ली में देखा जाएगा, क्योंकि अगर बॉर्डर सील हो जाते हैं, जगह जगह से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, और 16 फरवरी को जो नोएडा से रास्ते आ रहे हैं, डीएनडी आ रहा है, उसको भी सील किया जाएगा, तो ट्रैफिक डाइवर्जन काफी ज्यादा दिल्ली में होगा और कंजेशन की उम्मीद काफी ज्यादा की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी कर चुकी है। और क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा दिल्ली में होगी और ये उम्मीद है कि, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक सी ऑफ फार्मर्स की आने की उम्मीद है, इसलिए दिल्ली में एहतियातन एक महीने के लिए 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ट्रैफिक के लिहाज से भी और सुरक्षा के लिहाज से भी ये कोशिश की गई है कि इंतजाम जो है उन्हें पुख्ता किया जाए और जो दिल्ली वासी है उनको किसी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ टीकरी बॉर्डर की, अभी यहाँ ट्रैफिक चल रहा है, टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप हमारे साथ बने रहिए। ABP News आपको रखे आगे।